Breathe in. Breathe out. नाना, सोने की जरूरत ही नहीं. क्यों घबरा रही हूँ मैं इतना? मेरी रिहर्सल हो चुकी है, सब रेडी है. अच्छा इंटरव्यू होगा. अच्छा इंटरव्यू होगा ना? हाँ, मेरी लाइफ का बेस्ट इंटरव्यू होगा ये. ए बैंकर, थोड़ी बर्फ लाओ ना प्लीज. उससे पहले ना एक काम करते हैं, तुम्हारा ये जॉब फिक्स करवा देते हैं. नहीं ना, आप लोग ना इसकी जॉब फाइनल कर दो. उससे पहले एक सवाल है जो आप लोगों को इससे पूछना चाहिए, पर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ. आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं मिस अमृता भवानी चिटनिस का, घर से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप लोगों को अजीब नहीं लग रहा कि इसके इंटरव्यू में इसका एक्स बॉस कैसे टपका है? वियर्ड राइट? आप लोगों ने सुना होगा ना कि कुछ इंप्लॉय होते हैं जो अपने बॉस के सर पे ना नाचते रहते हैं. अरे अमृता ना उससे आगे है कि अपने बॉस के सर पे नहीं, उनकी टेरेस पे भी नाच रही. क्या है ना, मुंबई में तो पेंट हाउस होते हैं. अब मेरे पेंट हाउस में मेरे कमरे के बाहर छत है, जिस छत पे ये मैडम अपने पूरे परिवार के साथ आगे टपक गई. कब्जा कर लिया इसे पूरी छत पे, सोच सकते हैं आप? और ऐसा कब्जा किया है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही. Annoying, right? क्या कर सकते हैं? अपने घर वालों के साथ पूरी गृहस्थी बसा ली इसने यहाँ पे. Anyway, बहुत बातें हो गई. आप लोग ना इसका जॉब फिक्स करो, डन करो. मेरी तरफ से हाँ, मुझे जाना है पुर्फ लेने. ओके? मैंगर, ड्रिंक तो गर्म हो गई. योगी, अरे शर्माओ मत, पी लो, कुछ नहीं कहेंगे. I'm sorry, ma'am. हमें नहीं लगता आप इस जॉब के लिए सही हैं. नहीं 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 मैम, मैम ये एक्चुअली आप सब हेलो बुरा मान गए. बैंकर तू रही है मुझसे? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम इतनी हार्डवर्किंग हो, इतनी टैलेंटेड हो, इतनी ब्राइट लड़की हो, तुम्हें तो कोई भी जॉब मिल जाएगी ना. पर हाँ, उससे पहले ना तुम्हें मुझे और मेरे परिवार को परेशान करना छोड़ना होगा. शट अप, चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए. क्या? आई डोंट नो. क्या हो बेटा? मतलब मेरा चलाया तीर सही निशाने पे लगा. इन्होंने मेरा इंटरव्यू खराब कर दिया. वो लोग मुझे जॉब देने वाले थे, मना कर दिया. इनकी वजह से मेरा घर, मेरी नौकरी सब. मैं अच्छा खासा इंटरव्यू दे रही थी, पता नहीं कहां से शराब पीकर आ गए उनको मेरे बारे में अनाप शनाप कहने लगे. जब से इस बिल्डिंग में मेरी जिंदगी में आए सब खराब कर दिया. पहली वाली नौकरी भी, ये नौकरी भी इनकी वजह से गई. इनकी वजह से मेरा परिवार इस हाल में रहने पे मजबूर हो गया. पता नहीं क्यों इतनी नफरत करते हैं मुझसे कि मेरा जीना मुश्किल कर रखा है. अकेला क्यों नहीं?